अच्छा मकान, इसमें कौन रहता है? आप रहेंगे सर। मैं इतने शानदार, मेरा मतलब है इतने छोटे मकान में हम रहेंगे? ये छोटा मकान नहीं है सर, इस गांव में ठाकुर की हवेली के बाद इसी मकान का नंबर लगता है। अच्छा अच्छा, पहले की नहीं बोला है? पहले काब सर। राम राम थानेदार साहेब। ये नई मुसीबत कौन है? अजी हम मुसीबत नहीं है, रसोईया है, रसोईया कुक कानून से है। वैसे हमें शेरो शायरी का बहुत शौक है, इसलिए हमारा नाम भी है रंगीले है। हमने हर रंग पे शायरी लिखी है, गजल ठुमरी कविता नमूने के तौर पे हम अर्ज करते हैं। हाँ हल्लो हल्लो चमक छल्लो। वाह, तुम्हारी शायरी का नमूना तो बहुत ही घटिया था। अब जरा जाकर खाने का नमूना पेश करो, और अगर तुम्हारे खाने का नमूना तुम्हारी शायरी की तरह घटिया निकला तो खाना मुश्किल हो जाएगा। ये बात है का? ठीक है तो आप अंदर चलिए, ऐसा खाना खिलाते हैं कि नानी याद आ जाएगी आपको। नानी क्यों? ये गांव का मुहावरा है ना, शहरी लोग नहीं समझते। नानी खाना अच्छा बनाती है ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, आइए चलो सर। सर आप नाश्ता पानी कर लीजिए, हम लोग यहाँ पर आपका इंतजार करते हैं। और अगर इस बीच किसी चीज की जरूरत पड़े तो इस खुशीराम हवालदार को आप खुशी से याद करिए, नंबर 555। और अगर कोई दुख की बात हो तो हवलदार दुखी राम को दुखी होके याद कीजिए, नंबर 420। और अगर मुझे ऐसा लगा कि मैं गधों के बीच में फंस गया हूँ तो? तो सर आप मुझे याद कर लीजिएगा। सर लौटी है। अरे तेरी याद मुझे यहाँ खींच कर लाई झूठी। अरे खैर मना कि मैं यहाँ लौट आई हूँ, वरना अब तक जेल की चक्की पीस रही होती उस बिरजू की मेहरबानी से। ये बिरजू कौन है? चिकन, मिर्ची का हाथ जरा तेज पड़ गया है, अगर ना खाते बने तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, बाद में हम खा लेंगे कानून से। हम पानी लेकर आते हैं, खाते खाते मुंह जल जाए ना तो पानी पीते रहना। हाँ अरे राम, ये राम, अरे आदमी है या बनमानुष? ये का एक ही मिनट में दोनों मुर्गी साफ। लगता है कल से सारे गांव की मुर्गी बनानी पड़ेगी कानून से। साहब, आप बंगाल से आए हैं क्या? नहीं, क्यों? नहीं, यूं ही पूछ रहे थे, वो बंगाल में अकाल पड़ा था ना इसलिए। सच्ची बात ये है कि 2 साल तक चमड़े जैसी जौ की रोटी और पानी जैसी पतली दाल खा खा कर तो जबान का मजा ही निकल गया, लेकिन आज मिर्ची का चिकन खाकर तो मजा ही आ गया। मगर 2 साल तक आपको जौ की रोटी और पतली दाल क्यों खानी पड़ी है? क्योंकि मैं अंदर था ना। अंदर? कहाँ अंदर? आदमी क्या सिर्फ जेल के अंदर हो सकता है क्या? अस्पताल के अंदर नहीं हो सकता? हो सकता है। हाँ तो फिर मैं 2 साल के लिए अस्पताल के अंदर था। ओह, लेकिन ऐसी कौन सी भयंकर बीमारी आपको हो गई थी? है ज्यादा बोलने की, और अगर तुमने ज्यादा बोलना बंद नहीं किया तो तुमको भी जाना पड़ेगा अंदर। लेकिन फिलहाल तो आप जा रहे हैं ना। कहाँ? थाने। थाने? थाने? मैं थाने क्यों जाऊँ? कमाल है, थानेदार थाने नहीं जाएगा तो और कहाँ जाएगा है? कानून से। अच्छा वो तूने मुझे याद दिलाया, शुक्रिया। थैंक यू।